आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 3 MIUI 12.5 के थीम के बारे में। जी हाँ, और इन थीम्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, कैसे UI मिलेगा, वो सभी चीज़ में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आप अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारे पास जो पहला जो थीम है उसका नाम है कलरफुल 1.0। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका टोटली कलरफुल देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेट भी आपको कुछ अलग से कलर में देखने को मिलता है। आइकन पैक की बात किया जाए तो देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे आइकन पे यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे गैलरी, प्ले स्टोर, क्रोम, गेट ऐप स्टोर, उसके बाद गूगल के कुछ एप्लीकेशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पे डायल पैड में, तो देख सकते हैं डायल पैड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत ही चेंजेस देखने को मिलता है। आप क्या जाए यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की, तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है अगर आप MIUI 11 वाले यूज कर रहे हैं। तो सेटिंग की बात किया जाए तो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्च बार में ही चेंजेस देखने को मिलेगा। अब बात किया जाए यहाँ पे MIUI 12.5 या MIUI 12.5 कंट्रोल सेंटर की, तो उसे भी हम इनेबल कर लेते हैं। जैसे कि आप इनेबल किए, अब देख सकते हैं इसका जो कंट्रोल सेंटर का UI है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अब सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ लाइट मोड में वर्क कर रहा है और ये डार्क मोड में अभी वर्क नहीं कर रहा है। इनकेस आगे जगह अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे मेंशन जरूर कर दूंगा। लॉक स्क्रीन की बात किया जाए तो देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में आपको कुछ इस तरह का UI देखने को मिलेगा। ज्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, बस एक कलर क्लॉक देखने को मिलता है। यहाँ पे म्यूजिक का आइकन देखने को मिलता है, इधर आपको फ्लैश लाइट और डाउन साइड में आपको कैमरा का भी बटन देखने को मिलता है। बात किया जाए कैसे इसे आपको अपडेट करना है, सॉरी इंस्टॉल करना है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे आना होगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो न्यू कलरफुल 1.0 का MTZ फाइल है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा थीम स्वाइप, जैसे कि यहाँ पे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, UI डिज़ाइन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ऐड देखने को मिलेगा, ऐड को क्लोज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन मिल रहा है, इसे आपको इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद आपको वो फाइल ओपन करना जहां आपने डाउनलोड करके रखा है न्यू कलरफुल 1.0 MTZ, इसे इस तरह से क्लिक करना है। और यहां पे बिल्ड अप थीम लिखा है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे ही ये थीम लोड होगा आपको यहां पे अप्लाई का बटन देखने को मिलेगा, आपको यहां पे अप्लाई करना है, फिर से आपको वेट करना, यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपका थीम जो वो सक्सेसफुल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं सेकेंड थीम की, तो इसका नाम है आईफोल 12XS 12.5। जी हाँ, इसमें आपको कम्प्लीटली जो UI डिज़ाइन है वो आईफोन के जैसे देखने को मिलता है। जैसे क्लॉक कवरेज, उसके बाद वेदर कवरेज, साथ में यहाँ पे आइकन पैक भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कम्प्लीटली आईफोन के जैसे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारा आइकन आपको आईफोन के जैसे शेप देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे शेयर मी, उसके बाद यहाँ पे गैलरी, प्ले स्टोर का आइकन अब एप्पल स्टोर के जैसे बन चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे डायल पैड में, डायल पैड में आने के बाद देख सकते हैं आईफोन के जैसे आपको डायल पैड देखने को मिलता है। तो इस तरह का आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। सेटिंग की बात किया जाए, सॉरी यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की बात किया जाए तो देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बस सेटिंग के ऑप्शन है वो थोड़ा सा क्लोज हो चुका है, बाद बाकी चीज़ें जो वो आपको सेम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे MIUI 12.5 के कंट्रोल सेंटर की, तो उसे भी हम आपको इनेबल करके दिखा देते हैं कि क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप अभी स्क्रीन पे देखें, इसका जो UI डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ आपको आईफोन 12 के जैसे लुक प्रोवाइड करके देगा। अब बात किया जाए डार्क मोड में वर्क करता है कि नहीं, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डार्क मोड को इनेबल कर लेते हैं। जैसे ये डार्क मोड में इनेबल होगा तो फिलहाल देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। बैक आ जाते हैं, फिर से एक बार बैक आ जाते हैं, देख सकते हैं अगर आपका MIUI 12.5 है तो आपको सेटिंग के आइकन में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। मेरा यहाँ पे MIUI 12 है जिसके लिए यहाँ पे मुझे अभी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसे लॉक कर लेते हैं। लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो देख सकते हैं लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब बात किया जाए कि कैसे इसे आपको डाउनलोड करना है, तो वो भी तरीका बहुत सिंपल है। सिंपली आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, सॉरी MTZ फाइल आईफोन XS 12.5, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपली आपको सेम प्रोसेस थीम स्वाइप पे जाना है। थीम स्वाइप पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पे जो इंपोर्ट का बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है, ऐड आएगा, क्लोज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, प्लस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डाउनलोड पे जाना है, जहाँ पे भी आपने आईफोन XS 12.5 का MTZ फाइल रखा हुआ है, इसे इस तरह से क्लिक करना है। बिल्डअप होगा थीम और यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है इस थीम को।
आखिरी थीम की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी हाँ, ये एंड्रॉयड 12 का एक थीम है। इसका जो आइकन वगैरह है देख सकते हैं, आपको टोटली एंड्रॉयड 12 के जैसे देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको कुछ एंड्रॉयड 12 के विडेज भी देखने को मिलता है, जैसे कि वेदर, क्लॉक और यहाँ पे जो डेट वगैरह है उसका एक अलग विडेज देखने को मिलता है। आइकन पैक भी देख सकते हैं, आपको कम्प्लीटली एंड्रॉयड 12 के जैसे देखने को मिलता है। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर की बात किया जाए, यहाँ पे थीम स्टोर, सभी चीज़ यहाँ पे एंड्रॉयड 12 के जैसे देखने को मिलता है। डायल पैड की बात किया जाए तो देख सकते हैं, डायल पैड में आपको एंड्रॉयड 12 का लुक देखने को मिलेगा। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की, तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल में कुछ इस तरह का चेंजेस देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो एंड्रॉयड 12 का नोटिफिकेशन पैनल है वो देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको एंड्रॉयड 11 वाला देखने को मिल जाता है। तो अब चलते हैं यहाँ पे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे सिंपली देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डार्क मोड इनेबल कर लेते हैं, क्या पता कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए सेटिंग पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। इनेबल करते हैं MIUI 12.5 के कंट्रोल सेंटर को, तो देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में भी आपको कुछ अलग सा चेंजेस देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर यहाँ पे कलराइज किया गया, थोड़ा बहुत आइकन का चेंजेस किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा क्लॉक का विडेज देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन में, जो देखने में काफ़ी सही है। अब बात किया जाए कैसे इसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको थीम स्टोर पर आना है। थीम स्टोर पर आने के बाद सिंपली आपको सर्च बार में टाइप कर देना है एंड्रॉयड प्लस 12 प्लस VER 12.5। उसके बाद आपको सिंपली इसे डाउनलोड करके अप्लाई कर देना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसे भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।